नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू कंबोज सिरसा हरियाणा से आज फिर से आप लोगों के लिए एक जानकारी लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप लोग पुरानी वीडियोस को पसंद करते हैं, ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों, जब हमारे पास कोई LCD LED TV रिपेयर होने के लिए आता है तो कई बार उसमें कुछ छोटी छोटी खामियाँ रहती हैं या छोटी छोटी प्रॉब्लम रहती हैं जिनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं और बड़ी चीज़ के ऊपर हम लोग अपना प्रैक्टिकल या अपना कार्य जो है वो करना प्रारंभ कर देते हैं। आज का जो वीडियो है इसी टॉपिक को लेकर है, बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो होने वाला है। एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इसमें आप लोगों को पता चलेगा कि कुछ बारीक चीज़ें हैं जो हम लोगों को चेक करना चाहिए, नोटिस करना चाहिए जब भी हम कोई LCD LED TV रिपेयर करने बैठते हैं, और उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार छोटी छोटी प्रॉब्लम जो होती है वो आगे हम लोग उनको नज़रअंदाज करके हम लोग उसको बड़ा कर लेते हैं अपने आप ही। तो आज का जो हमारे पास एक LED TV रिपेयर होने के लिए आया है उसमें इस तरीके की ही प्रॉब्लम थी, और एक टेक्नीशियन भाई हमारे पास इस LED TV को लेके आए हैं। उन्होंने इसमें क्या कुछ किया है या हमने इसमें क्या कुछ किया है, सारी चीज़ें आप लोगों को आज इस डिटेल में इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ में अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छी अच्छी जानकारियां आप लोगों के साथ यहाँ पर साझा करते हैं। तो देखते हैं वीडियो में क्या कुछ रहने वाला है। आज हमारे पास जो सेट आया है वो है हायर का, जिसका मॉडल LE32D1000, ये इसका मॉडल नंबर है। और इसमें देख सकते हैं ये इसका मेन बोर्ड है, और इसमें जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिला है, जो टेक्नीशियन हमारे पास लेके आए, तो नो इमेज का प्रॉब्लम है। और उनका कहना था कि कई बार हमारा टीवी जो है बिल्कुल सही चलता है, कई बार पिक्चर सही से बनती है, और कई बार जो है पिक्चर प्रॉब्लम करती है। और उन्होंने इसके लिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने की भी कोशिश करता हूँ क्लियरली, ये वाले CKB के ट्रैक जो हैं, CKB 1, CKB 2, CKB 1, CKB 2, ये चार ट्रैक भी यहाँ पे उन्होंने कट किए, लेकिन समस्या का जो हल है वो नहीं हुआ। कई बार बूस्ट बन जाती है, पिक्चर बनती है, और कई बार पिक्चर नहीं बनती है। मैं आप लोगों को यहाँ पे ऑन करके इसको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लाइट आ गई है और हम इसको ऑन करेंगे, तो कई बार इसमें पिक्चर देखने को मिलती है और कई बार नहीं भी मिलती है। ऑन हो चुका है हमारा सेट, यहाँ पे देखिए अभी पिक्चर इसका बन चुका है। अभी हम दोबारा से इसको जब ऑन करेंगे, यहाँ पे मैं दोबारा से ऑफ करता हूँ इसको, और एक बार पिक्चर बना देखा आपने, और अभी फिर से हम इसको ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे फिर से इसको ऑन किया है, यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा जो पिक्चर है वो यहाँ पे नहीं आया, बैकलाइट सिर्फ ऑन हुआ है। इस तरीके से कई बार इसमें पिक्चर बनता है और कई बार पिक्चर नहीं बनता है। और अब हम यहाँ पे बूस्ट भी आप लोगों को चेक कराते हैं। जब पिक्चर इसमें बनता है तो इसकी बूस्ट जो है बिल्कुल ओके बनती है, जब पिक्चर नहीं बनता है तब इसमें बूस्ट भी जो है वो नहीं बनती है। इसके लिए हमने यहाँ पे देख सकते हैं LVDS केबल इसका चेंज किया है, ये इसके अंदर LVDS केबल पहले से लगा हुआ था, तो चेकिंग के मेथड से हमने इसका LVDS केबल चेंज किया था। कि चेंज करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम था। अमूमन तौर पे क्या रहता है, जब यहाँ पे 12 वोल्ट फ्यूज पे आ जाता है लगभग ज़्यादातर पैनलों में, तो बूस्ट हमारी जनरेट होनी चाहिए। इसमें 12 वोल्ट यहाँ पे आता है लेकिन बूस्ट नहीं जनरेट होती, और जब बूस्ट जनरेट होती है तो पिक्चर भी बनता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इस पैनल को निकाल के अपने बैकलाइट टेबल पर रखा। बैकलाइट टेबल पर जब इस पैनल को चलाया तो बिल्कुल क्लियर चला, ये पैनल बिल्कुल ओके चल रहा था। तो हमने फिर से इसको इसी में फिट किया है तो भी ये प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम इसके अंदर आ रहा है। और हमने फिर क्या किया, इसका ये एक हमारे पास मदरबोर्ड था, ये लगा के हमने चेक किया, तो ये पिक्चर फिर इसके अंदर, जब हम दूसरा मेन बोर्ड लगाते थे तो पिक्चर बिल्कुल सही से बनता था, बूस्ट जनरेट होती थी, और हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम हमारे बोर्ड के अंदर है। और बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बूस्ट जो है वो मैं चेक करा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए जो VCC 12 वोल्ट है, यहाँ पे देखिए
VCC 12 वोल्ट लगभग ओके है, 11.90 है, और यहाँ पे देखिए 1.8 वोल्ट है। AVDD यहाँ पे है, देखिए AVDD जो है वो जनरेट नहीं हो रहा है। ये 3.3 वोल्ट है, बिल्कुल ओके बन रहा है। यहाँ पे VON है, यहाँ पे भी कोई सप्लाई नहीं है। ज़्यादातर पैनल्स में हम 12 वोल्ट देखते हैं, 12 वोल्ट के बाद यहाँ पे बूस्ट जो है जनरेट होनी चाहिए, लेकिन इसमें बूस्ट वो जनरेट नहीं हो रही थी, तो हमारा जो टेक्नीशियन का शक था वो डायरेक्ट इस पैनल के ऊपर गया और उन्होंने यहाँ से इसके CKV की लाइन, जो ज़्यादातर हमने देखा इस पैनल में प्रॉब्लम रहती है, तो CKV की लाइन कट की। एक बार सेट चला, ये लगा कि प्रॉब्लम हमारा सोल्व हो गया, लेकिन दोबारा से जैसे ही ऑन किया फिर से पिक्चर नहीं बनी। इट मीन्स पता चला कि कोई ना कोई प्रॉब्लम अभी रह गया है, तो उन्होंने हमें ये सेट बनने के लिए दिया है कि इसके पैनल में प्रॉब्लम है। तो हमने भी पहली नज़र में देखा तो हमें भी लगा कि इसके पैनल में ही प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि 12 वोल्ट आने के बाद बूस्ट नहीं बनती है और कई बार बन जाती है। लेकिन जब हमने इसको बैकलाइट केबल पे चेक किया तो ओके था पैनल, जब हमने दूसरा बोर्ड लगाया तब भी ओके था पैनल। LVDS केबल हमने इसका चेंज कर दिया लेकिन प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं हुआ। और यहाँ पे फिर हमने ध्यान से जब इस बोर्ड को यहाँ पे देखा दोस्तों, तो इसका सारी चीज़ें हमें ओके दिखी, लेकिन ये वाला जो मेन फिल्टर है दोस्तों, ये अभी लाइव हम यहाँ पे इसको रिपेयर करेंगे, ये हल्का सा यहाँ से फूला हुआ है। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ये फिल्टर जो है यहाँ पे हल्का सा फूला है, हल्का सा बिल्कुल ही। तो इसके अंदर सिर्फ प्रॉब्लम ये मुझे जो अभी लगा वो है इसका मेन फिल्टर। देखिए सिंपल सा एक प्रॉब्लम है, जिसको हमने कितना बड़ा प्रॉब्लम अगर देखने क्लियर करने से पहले, इसका CKV लाइन भी किसी ने कट कर दिया और सारी चीज़ें हम लोगों ने चेंज की, लेकिन ये मेन फिल्टर पे ऊपर हमारा ध्यान नहीं गया किसी का। जब इसको क्लियरली देखा तो ये मेन फिल्टर फूला हुआ था। अभी इसको ऑन करते हैं तो बैकलाइट भी ऑन होता है, सारे वोल्टेज भी बिल्कुल ओके बनते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एम्पियर हो सकता है कि सप्लाई में कम बन रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बूस्ट जो है जनरेट नहीं हो रही। तो सबसे पहले हम इसका मेन फिल्टर जो है अभी चेंज करेंगे और फिर देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे मेन फिल्टर जो है हमने चेंज कर दिया है। अब हम हमारे TV को लाइन दे रहे हैं, ये लाइव आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं इसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि इस तरीके के कई बार छोटे छोटे प्रॉब्लम जो है वो हमें नज़र नहीं आते हैं। यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लियर पिक्चर बन चुकी है, और हम इसको एक बार अभी फिर से ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि कई बार पिक्चर बनती थी लेकिन दोबारा ऑन करते थे तो पिक्चर नहीं बनती थी। अब हम दोबारा से ऑन करके देखते हैं, 2-3 बार हम ऑन ऑफ करके ट्राई कर सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए फिर से पिक्चर बनी है, हम फिर से इसको ऑफ कर रहे हैं और फिर से अब ऑन करेंगे दोबारा से, तो 2-3 बार ऑन करने से हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुआ या नहीं, क्योंकि बार बार जैसे ही हम दूसरी बार ऑन करते थे तो ये ऑन नहीं होता था। देखिए फिर से ऑन हुआ, फिर से ऑफ कर रहे हैं और फिर से अब दोबारा से लाइट दे रहा हूँ, तो इससे इट मीन्स हमारा जो प्रॉब्लम है वो निकल चुका है। कई बार ये वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ इतना था, यहाँ पे देखिए फिर से ये मकसद इतना था कि कभी भी इस तरीके का आपके पास प्रॉब्लम आता है और आपको लगता है कि कोई फिल्टर फूला हुआ है या कुछ बर्न है या कुछ आपको मिसिंग लगता है, स्पार्किंग लगता है, तो सबसे पहला आपका काम ये रहना चाहिए कि उस चीज़ को चेंज करें। जैसे यहाँ पे देखिए सिर्फ ये फिल्टर हल्का सा फूला हुआ था और फिल्टर की वजह से ये प्रॉब्लम थी कि कभी इसके अंदर बूस्ट बनती थी कभी नहीं बनती थी, लेकिन हम डायरेक्ट पैनल पे चले गए, पैनल की CKV लाइन कट कर दी या और हमने प्रॉब्लम्स इसमें खड़ी कर सकते हैं इसमें तो। लेकिन अब हमने जो क्लियरली इसको अच्छे से चेक किया, जब हमने दूसरा बोर्ड लगा के चेक किया तो हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम हमारी मेन बोर्ड से, और मेन बोर्ड में भी क्या प्रॉब्लम थी, सिर्फ पाइप पावर सप्लाई का मेन फिल्टर ख़राब था। उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, और वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक करना है, साथ में अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
क्योंकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए यहाँ इस चैनल पे लेके आते रहेंगे। ये अब जो यहाँ पे ट्रैक कटिंग किया गया है, इसको हम दोबारा से जोड़ सकते हैं, जोड़ के हम टीवी को एज इट बना के दे देंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।